यूपी में जो सातवां अजूबा है वो ताजमहल है। हाँ, अब राम मंदिर बनने वाला। देखिए पत्रकार जी, भगवान चाहेगा तो आप बहुत बहुत जल्दी सुनेंगे कि ताजमहल भी राम महल हो गया या शिव महल हो जाएगा। बिल्कुल होना चाहिए। ना के सवाल क्या है? देखिए ना के सवाल क्या है, मुस्लिम आक्रांताओं ने, देखिए मुस्लिम आक्रांताओं ने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए जो भी विधा अपनाना पड़ा उन लोगों ने अपनाया है। अब कम से कम स्वर्णिम समय है, शिवाजी का वंशज जा चुका है उत्तर प्रदेश की धरती पर मेरे भाई, इसमें कोई दोरा नहीं है। समर्थ गुरु रामदास जैसे जैसे शिवाजी पैदा किए थे, गुरु गोरखनाथ ने पैदा कर दिया है दूसरा। उत्तर प्रदेश सुनिए, उत्तर प्रदेश की धरती पर मेरा वर्जन चलाना चला दीजिएगा। जैसे समर्थ गुरु रामदास ने भारत को शिवाजी प्रदान किया था, गोरखनाथ के पीढ़ाधीश्वर ने गुरु गोरखनाथ जी ने शिवाजी के वंशज के रूप में जो है मान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ को पैदा किया। तो क्या ताजमहल किस रूप में बनेगा? शिव मंदिर था। हाँ। शिव मंदिर था, उसको ताजमहल को जो है राष्ट्रीय इमारत या राजमहल राम महल बनाया जाएगा। अच्छा, राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर बनेगा, वो भी बने मने मंदिर बनेगा, उसका नाम बदलेगा। नाम बदलेगा? बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। मैं मोदी जी तो मोदी जी तो हम लोग के महान व्यक्तित्व है, संरक्षक है, योगी जी के चलते बदलेगा महाराज, योगी जी के चलते बदलेगा। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।